लोकसभा के चुनाव आएंगे वहाँ भी हम 10 की 10 लोकसभा जीतकर देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। जितनी ज़्यादा गुटबाजी भाजपा के अंदर है, मुझे लगता है नायब सैनी जी की आपको खुद पता है कि जब चुनाव हुए थे पिछले दिनों में जिला परिषद के, तब क्या हाल उनका हुआ। भाजपा इस तरह की राजनीति करती है, कभी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करे, कभी जाति के नाम पे बांटने का काम करे। भाजपा यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है। आप राव इंद्रजीत को भी उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट तक में न डालना कि राव इंद्रजीत जी की खुद की जमीन खिसक रही है। उनकी अपनी सोच सिर्फ ये रह गई है कि मैं अपनी बेटी को किसी भी तरीके से विधानसभा का चुनाव लड़ाएं। राजस्थान चुनाव में प्रचार से लौटे रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजी राव सोमवार को धाकड़ अंदाज में दिखाई दिए। दैनिक साथी से खास बातचीत में उन्होंने चुनावों से लेकर प्रदेश सरकार व गुरुग्राम सांसद पर भी जमकर निशाना साधा। यहां तक कहा कि राजनीति की अंतिम पारी में राव को पुत्री मोह से बाहर निकलकर दक्षिण हरियाणा के लोगों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से एक के बाद एक सवालों पर विधायक चिरंजी राव ने खुलकर जवाब दिए। विधायक जी क्या कहेंगे जिस तरह से अगले साल विधानसभा चुनाव होना, लोकसभा चुनाव होना, चार राज्यों में चुनाव हो भी चुका, क्या कहेंगे पूरे सिनेरियो, कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा देखती है? देखिए अभी 5 राज्यों में आप जानते हैं कि चुनाव होने जा रहे हैं और कुछ राज्यों में हो गया है और तेलंगाना के अंदर 30 तारीख को वोट डलेगी। 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद भी है, जिस तरह से मेरा भी राजस्थान में जाना हुआ और भी जितने भी हमारे साथी लड़ रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हर जगह से यही रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने अच्छा काम राजस्थान के अंदर किया और छत्तीसगढ़ में किया, उसी प्रकार से हम लोग आने वाले समय के अंदर मध्य प्रदेश को भी एक अच्छी सरकार देंगे। राजस्थान में जिस तरह ध्रुवीकरण हुआ, पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया, किस तरह से देखकर समाज और देश के लिए कितना घातक है? देखिए जहाँ जहाँ आप देखते हैं भाजपा राजनीति की, उसकी कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर लोगों को बांटा जाए। और मुझे लगता है राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हमारी तरफ से तो हमेशा ये कोशिश रही है कि ना तो धर्म के नाम पर राजनीति करें, ना जाति के नाम पर राजनीति करें। आपको जो राजनीति करनी चाहिए वो अपने काम के ऊपर करनी चाहिए। और मुझे लगता है जनता आज बहुत समझदार हो चुकी है और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे भी कि जितनी जगह भी चुनाव होंगी, जनता काम के ऊपर वोट देने का काम करेगी। सर, हरियाणा को किस तरह से, जिस तरह से लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आपका प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है, कुमारी सैलजा जी का नाम भी आ रहा है, तो आप भी विधायक के तमाम एक्टिव रहते हैं, कब तक साहब बड़े रहते हैं, तो किस तरह से देखते हैं पूरे सिनेरियो को? देखिए इसका फैसला तो हमारी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इस बात का फैसला तो वो करेंगे। बाकी हम कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम लगातार करते रहे हैं और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में तो बनने जा रही है और आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव आएंगे वहाँ भी हम 10 की 10 लोकसभा जीतकर देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। सर, प्रदेश अध्यक्ष अभी नवनियुक्त भाजपा के बने, वो कहते हैं कि कांग्रेस की दुकान में कोई सामान ही नहीं है, इसके चलते 4-4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कहनी पड़ रही है उनको। देखिए आप स्वयं इस बात को भली भांति जानते हैं कि जितनी ज़्यादा गुटबाजी भाजपा के अंदर है, इससे ज़्यादा हम लोगों ने कभी नहीं देखी है। पिछले दिनों में जब चौधरी वीरेंद्र सिंह की एक बड़ी रैली करी थी, उन्होंने कितने गंभीर आरोप इनकी सरकार के ऊपर लगाए थे। मुझे लगता है नायब सैनी जी की आपको खुद पता है कि जब चुनाव हुए थे पिछले दिनों में जिला परिषद के, तब क्या हाल उनका हुआ था। और कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है टिकट कि जिस तरह से सामाजिक रूप से बांटा जाए। बिल्कुल, आप जिस तरह सामाजिक रूप से बांटने की बात करें, जैसे ही चुनाव नजदीक आए कहीं ना कहीं जो यूपी के जाट थे, जाट आरक्षण की बात दोबारा फिर सामने आए, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए भाजपा इस तरह की राजनीति करती है, कभी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करे, कभी जाति के नाम पर बांटने का काम करे। कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये सोच रही है कि सभी वर्गों को, 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चले। और हमने देखा भी है जिस तरह से हमारी सरकार और प्रदेशों में चल रही है, चाहे राजस्थान में इतनी अच्छी स्कीमें हमारे मुख्यमंत्री ने चलाई, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, इसी तर्ज के ऊपर हमारी सरकारें चाहे हिमाचल में हो, कर्नाटक में हो, लोगों के लिए जो अच्छी स्कीमें उनको लाने का काम करती है। और यही कारण रहा, आप देख भी रहे हैं
कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे आपके तेलंगाना के लोग हैं जहां कांग्रेस पार्टी का सरकार काफ़ी सालों से नहीं थी, वहां भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सर, चुनाव से ठीक पहले जाट आरक्षण का मतलब उठाना, कहीं ना कहीं जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं हो रहा प्रदेश में? देखिए, आप इस तरह की जो राजनीति है हमेशा भाजपा करती है, और मुझे लगता है कांग्रेस का कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो हमेशा अपने काम से लोगों के लिए काम करता है। और आज जो जनता के मुद्दे हैं उनको कोई अगर उठा रहा है आज के समय में, तो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और मेरा ये मानना है कि अगर विकल्प कोई भाजपा का है और लोगों ने कोई मन बना रखा है, तो वो यही है कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर सत्ता के अंदर लाएंगे। और लोगों के लिए जो विकास कांग्रेस पार्टी ने 10 साल जब हमारी सरकार रही, उसी के तर्ज पे आने वाले समय में भी काम करेगी। सर, अभी लोग राजस्थान चुनाव की बात आप कर रहे थे, कैप्टन साहब ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे कांग्रेस ने, एक रामनीति जी भी बड़े नेता माने जाते हैं, प्रचार तो जो स्टार प्रचारकों की सूची थी उससे बाहर कर दिया गया, क्या देखते हैं राजनीति में इस तरह की? जो देखिए, हम लोगों ने तो हमेशा ये देखा है कि भाजपा यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है। आप लोगों ने देखा अभी होगा कि किस तरह से ज्योतिराज सिंधिया के साथ भी उन्होंने इस तरह की चीज़ें मध्य प्रदेश के अंदर करी। राव इंद्रजीत को भी उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट तक में न डालना, ये दर्शाता है कि इन्होंने हमेशा लोगों का इस्तेमाल करने का काम किया। और कहीं ना कहीं से ये भी पता चलता है कि राव इंद्रजीत जी की खुद की ज़मीन खिसक रही है। आज भाजपा को उनकी जो लोकप्रियता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आती हुई दिखाई दी होगी, इसी वजह से शायद उनको नहीं डाला इन्होंने उसके अंदर। राव साहब की राजनीति भी आपके राव को टिकट तक सिमट कराई गई है, क्या देखते हैं कि इस तरह से केंद्रित होकर राजनीति करना? देखिए, मुझे लगता है कि एक नेता की सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम लोगों की हकों की आवाज़ को उठाएं। सबसे बड़ा मुद्दा आज अगर कोई हमारे इस इलाके के अंदर है तो एम्स का है। आज करीबन 9 साल बीत गए हैं, एक बार भी उनकी ये कोशिश नहीं रही कि उस एम्स को जल्द, उस परियोजना को इस इलाके के अंदर लेके आएँ। उनकी अपनी सोच सिर्फ ये रह गई है कि मैं अपनी बेटी को किसी भी तरीके से विधानसभा का चुनाव लड़ाएं। और हम तो ये चाहते हैं कि वो इस तरह की राजनीति करें कि इलाके के हित को वो आगे रखें। यहाँ की जनता ने उनको इतनी बार सांसद बनाकर भेजा, विधायक बनाकर भेजा, कम से कम अब 1 वर्ष रह रहा है, इस 1 वर्ष के अंदर तो कम से कम वो इलाके के हितों की आवाज़ को उठाएं। आज जो मेडिकल कॉलेज बनना था इस इलाके में, वो मेडिकल कॉलेज नहीं आया। बॉयज़ कॉलेज की मांग बहुत पुरानी इस इलाके की है, एम्स की तो मैंने आपको बताया ही है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वो एम्स नहीं बन पाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के हितों को कम से कम एक बार, जब वो अपने राजनीतिक जीवन की आखिरी पारी खेल रहे हैं, कम से कम इस वक्त तो जनता को, हितों को उनको सर्वप्रिय रखना चाहिए। एक कैप्टन परिवार है कि जब कैप्टन साहब मंत्री भी थे तमाम लोग इजी से मिल पाते थे, तमाम आप भी ऐसे भी लोग इजीली मिल पाते, लेकिन एक वहाँ पर राजद जैसा माहौल है, लोग मिल नहीं पाते, तो चुनाव से पहले बाहर निकलना कितना घातक है इस तरह से, क्योंकि अपने नेता से नहीं मिलना? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी जो राजनीति करता है उसका सबसे पहला धर्म तो ये होना चाहिए कि अपने लोगों के सुख में दुख में जाए। बड़ा कम हम लोगों ने देखा है कि हमारे सांसद कभी लोगों के बीच में गए हों, उनकी समस्या सुनी हो। आपको याद होगा कोविड काल के दौरान भी हमारे सांसद को एक बार भी लोगों के बीच में नहीं आए, जिन लोगों को कभी वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहे थे, किसी को बेड नहीं मिल पा रहा था, अगर वो लोगों के बीच में आते तो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा मिलता। और आज जनता इस बात को समझती भी है, और मुझे लगता है इसका जवाब आने वाले के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जनता उनको ज़रूर देगी। सर, अभी कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स आपके पास ज्ञापन भी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह तमाम कहीं ना कहीं अब किसान सड़कों पर हैं, कर्मचारी सड़कों पर हैं, क्या देखते हैं इस तरह से? देखिए, पिछले दिनों में मुझे नंबरदार जो हमारे साथी हैं वो भी मुझे मिले थे, कंप्यूटर ऑपरेटर भी मेरे पास आए थे अपनी बातों को रखने के अंदर। करीबन 22 कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसे हैं जिनको बताया गया कि 8 महीने से उनको उनकी सैलरी तक नहीं मिल पाई है, तो उसके लिए जल्द हम उपायुक्त से बात भी करेंगे। और आने वाले समय के अंदर जल्द ये पता चला है कि भाई हमारा विधानसभा का सत्र भी आएगा अगले महीने दिसंबर के अंदर, तो उसके अंदर इनकी आवाज़ को हम उठाएंगे। सर, अब रेवाड़ी की बात कर लेते हैं, नगर परिषद का बुरा हाल है, काम तमाम आप सड़कें देख सकते हैं, बदहाल सड़कें पड़ी, किस तरह से शहरी सरकार तमाम दावे बड़े बड़े जब चुनाव हुए थे खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, तमाम नेता बीजेपी के पहुंचे, राव इंद्रजीत मौजूद थे, लंदन की तरफ इसको बताया, लेकिन आज सड़कें बदहाल हैं, हालत बदतर है। देखिए, आज रेवाड़ी के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, आप कहीं भी चले जाएंगे शहर के अंदर तो आपको बेसहारा
गाय हमारी, पशु आपको नज़र आएंगे, आपके डॉग बाइट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत जगह हैं आपके बंदरों का आतंक है। सड़कों की जहाँ तक आपने बात की, आज पॉश इलाकों को आप देख लीजिए, सेक्टर 3 और 4 को, वहाँ की सड़कों जो हैं वो बदहाल हैं। तो आप सोच सकते हैं कि और ग्रामीण सड़कों के क्या हाल होंगे। वो तो हमने हमारी कोशिश के वजह से PWD की हमने करीबन 25 करोड़ के लागत की रोडें हमने बनवा दी हैं, जिससे लोगों को बहुत सहूलियत मिली है। पर आज शहर की जो हालत है बहुत मुझे लगता है कि ख़राब हो चुकी है, और हमारी कोशिश यही रहेगी आने वाले समय के अंदर जो इन्होंने ढांचा बिगाड़ने का काम किया उसको पूर्ण रूप से सही करते हुए लोगों के हितों की सरकार को बनाएं।